और भी किसी के पास है ये? वहाँ मारा, ये कहने का मतलब है कि मेकअप टाइम ओवर। वैसे आप इतनी प्यारी लगती हैं, क्यों आधा किलो मेकअप फोड़ती हैं? करें शुरू। यू नो कपिल जी भाई, यू आर लाइक शेन वॉन। You know, आप जब सीरियस भी प्यार से भी किसी को बोलते हो ना, वो आदमी बंदा बैकफुट पे ही रहता है कि कभी भी ऐसा जोक आने वाला है तो मैं ना सीरियसली लू के ना लू। Look who's back. Come on, Brunal is back. ठाकुर जी आ गए हैं। आप हमारे शो पे बहुत बार आ चुके हो। मैंने जो आपका पहला गाना आया था एक बार, याद है आपने म्यूजिक वीडियो किया था आंखों में तेरा ही जी, वो कितने साल हो गए भाई उसको? 23 साल हो गए। और ये बंदा तब भी ऐसा ही लगता था, आज भी ऐसा लग रहा है। वाह क्या बात है यार। He's aging in reverse. मैं छोड़ो अभी। बोल बोल। 14 कैमरे शो में पहले से लगे हुए, उनका मोबाइल फिर से निकला है। मुझे समझ में नहीं आता। भाई एक इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर देना कि प्लीज फॉलो अर्चना जी, डॉक्टर ने कहा इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शी नीड सम फॉलोअर्स। अगेन मेरे दिमाग में कबीर सिंह आया था कि वो करेक्टर इतना बैठ गया ना, मेरे को भी लग रहा है कि अगर मेरे से कहीं ये नीचे गिर गया ना, मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे। सीरियसली आई एम एक्चुअली हैविंग विजुअल्स ऑफ कपिल शायद, है ना? ये ग्लास ब्लास टूट ना जाए, आप अपनी बोतल का ध्यान रखो। आजा अभी आजा, देख ले अगर बोतल है। मेरा नाम बदनाम करता रहता तू। दर्शकों आप सब जानते हैं कबीर सिंह पूरी दुनिया ने देखी है, उसमें ये क्यारा के साथ बाइक चलाते चलाते रोमांस कर रहे हैं। इस फिल्म में भी देखा, ये बाइक चलाते चलाते रोमांस कर रहे हैं। आपको किस बात की जल्दी है? ना आप बाइक रोक पा रहे हैं, ना आप रोमांस रोक पा रहे हैं, पर वाओ अच्छा लगता है आप बाइक चलाते हो। बड़े हमारे साथ ऐसा होता था, यू नो कई बार वो पुलिस वाले, उनको पता नहीं होता था शूटिंग चल रही थी तो अपसेट हो जाते थे, तो उसके बाद हम बच्चे वाला सीन बाइक वाला शूट कर लेते थे। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको कि देखो मैं तो बाप हूँ, मेरा बच्चा है। जैसे आप जर्सी में अपने बच्चे को जर्सी दिलाने का प्रॉमिस कर बैठते हैं, उसके पैसे आपके पास होते नहीं, बीवी से मांग रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, कभी रियल लाइफ में आप किसी को प्रॉमिस करके फंसे हैं? ऐसे किसी डायरेक्टर को बोल दिया हाँ करूंगा, बाद में हमने रात को दोबारा पढ़ी, आपको लगा ओ ये तो मैं फंस गया, ये तो खराब है, ऐसा कभी हुआ आपके साथ या कुछ और? आई विश ऐसा कुछ हुआ हो कि मैं फंस जाता, लेकिन मैंने वो फिल्में कर ली तो कई साल मैंने इन गलतियों को भुगता है कि एक बार हाँ बोल दो फिर आप ना नहीं बोल सकते। और ये लाइफ की बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। यू नो जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है, और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो इस एक बात में शरीफ मत बनो, जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोल दो एक्चुअली। बट व्हेन यू आर यंगर, जब आप छोटे होते हैं तो ना बोलने की आदत अब तक पड़ी नहीं होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। यू नो कमाल की बात है, ये लोग जानते हैं और दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक। या दे इंटिमिडेट, उनको समझ आ जाता है ये शरीफ सा है, इसको मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना ये कर लेगा, और लोग इसका फायदा उठाते हैं बहुत। और पहले तो स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी, पहले तो नरेशन होते थे। उस नरेशन में वो अगर डायरेक्टर 4 आर्टिस्टों को अगर नरेशन देता था तो हर आर्टिस्ट को उस नरेशन में लगता था कि ये पूरी फिल्म मेरे बारे की है। तो हाँ एक्चुअली इसलिए अब ना एक नई चीज शुरू हुई है कि आप फिल्म शुरू करने से महीने भर पहले या 2-3 हफ्ते पहले एक ग्रुप रीडिंग करते हैं, जहाँ सारे एक्टर्स को बुला के साथ में स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है। बहुत अच्छी बात शुरू की है। जर्सी के लिए भी हमने एक ग्रुप, फनी स्टोरी है, जर्सी की हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है, मेरे डैड भी हैं वहाँ पे, डायरेक्टर हैं, बाकी एक्टर्स हैं, हम सब यू नो इंटेंसली बिकॉज एक यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ फर्स्ट मीटिंग अंदर। और वो बच्चा यू नो ऐसे मीटिंग चल रही है, बच्चा बीच में ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे बैठ गया है, मम्मी पिज्जा कब आ रहा है, पिज्जा कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और बच्चे एंड एनिमल्स, ये दो चीजें हैं ना, मुझे इनके साथ एक्टिंग करना बहुत डेंजरस लगता है। वेरी वेरी यू नो बहुत मुश्किल होता है, कुछ भी करते हैं वो, आपका रिदम तोड़ देते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में मर चुके होते हो जब तक उनका अच्छा शॉट आ रहा होता है। यू नो देखे मतलब अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को तहस नहस नेस्ता नाबूद कर सकते हो। नहीं बल्कि सेट पर जब भी सारे एक्टर्स बैठे रहते हैं ना, और जो चाइल्ड आर्टिस्ट जो आता है ना, सब लोग बोलते अबे यार वो आ गया अभी।
they do amazing work, but काफी बच्चे ऐसे हैं हम. I'm going to get into a lot of trouble. No, no, it's okay. No, no, I feel it. Important shots से पहले सुसु. Oh God. हम सब लोग कह रहे हैं बेटा अभी तो जाकर आए थे. लोगों को आदत होती है ना. ये पूरा सेगमेंट आई थिंक रिजेक्ट हो जाने वाला है जो सामने बातें की हैं. भाई हमारे जैसे ना यार कॉन्स्टेंटली हम कुछ भी बोल रहे हैं. जैसे बहुत अच्छे होते हैं बच्चे. मुझे याद आया जब हम आपके शो पे हैदर प्रमोट करने आए थे, इतना हंसे थे हम. एंड आई रिमेम्बर विशाल सर, मैंने उनको हमेशा सीरियस देखा, वो मतलब लोट पोट हो गए थे यहाँ पे. मैंने उनको कभी उतना हंसते हुए नहीं देखा था जितना उस एपिसोड में. आप ऊपर चले गए थे यू नो टेरेस वेरेस पे. जी जी जी. आपने कुछ किया, लॉट ऑफ फन. बट जब भी मैं यहाँ से घर जाती हूँ मेरे ये चीक बोन से थोड़ी देर बाद मुझे ना इरिटेशन होता है कि यार दर्द हो रही है और नहीं हंस सकता मैं. प्लीज यार ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा. बस भाई आप जैसे स्टार्स आते हैं तो हमारा शो भी बन जाता है. बस प्यार है मोहब्बत आप लोगों की. शायद भाई हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपकी काफ़ी रिसर्च है. तो ये कुछ लोगों के अधर हैं. अधर बोले तो होट. ये आपको पहचानने हैं किसके. हे भगवान दिखाइए जरा प्लीज. बट पर ये मेरे साथ आप क्यों कर रहे हो? मेरे को क्या लिप समझ कि कियारा के हैं आप? वाह मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड नहीं लगाया भाई साहब. कियारा वाओ नेक्स्ट. आमिर खान. रियली सीरियसली दिखाइए. देना दिन था. वाओ क्या बात है भाई. वाओ यू डन मैसिव रिसर्च ऑन लिप्स. यू डन मैसिव रिसर्च. आई एम इन लव विद आमिर खान अदर्स. द ग्रेट. और दिखाइए. विद्या बालन. दिखाइए जरा पिक्चर. ये किस्मत कनेक्शन का स्टिल है. शी हैड शॉर्टर हेयर इन किस्मत. वाओ अगर कहीं होटो का एग्जाम होता 100 में से 100 लेते भाई साहब. और दिखाइए. गोविंदा. हाँ आई थिंक इट्स फ्रॉम आंटी नंबर वन. आंटी नंबर वन. नेक्स्ट अमृता राव है. आई थिंक इट्स अमृता. नहीं यार कौन बोला? नहीं आपका शॉट तो नहीं लग रहा. अपने जोन में तुम अपने ही जोन में घूम रहे हो जिसने जूही चावला बोला. दिखाइए यहाँ अमृता. ओह वाओ वाओ क्या बात है भाई साहब. खा गए आप. और दिखाइए. अरे यार अब तो मुझे ना हरा के ही छोड़ोगे. दिस इज सलमान. यस इज राइट. दिस ब्रदर इज राइट. इट्स सलमान खान. Seriously? Yeah. दिखाइए. All right. ये कौन सी मूवी है सलमान भाई? देखिए ये बहुत इक्वलाइजिंग टाइप का गेम था. वेरी हैप्पी कि इसमें तीन मर्द और तीन औरतें थी. ताकि ये क्लियर हो जाए कि मेरे सिर्फ अटेंशन फॉर डिटेल है. उसमें कोई मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं. बिल्कुल हमारे पास और तो कुछ. मैं जीत गया. मैं आपको ये संतरा गिफ्ट करना चाहता हूँ. आप विनर रहे इसके. वाओ